दिक्कत यहाँ पा रही है कि एरिया के जो अफसर हैं, जो थाने के सचो है, ये यहाँ पे भेदभाव कर रहे हैं। यहाँ पे एरिया के सचो मुंह देख के राशन दिया जा रहा है। मैं डीसी साहब से, कमिश्नर साहब से समझता हूँ, कहना चाहता हूँ कैसे दलाल एस एच ओ को बर्खास्त करें। तो मैसेज के माध्यम से बुला दिया गया है, वो दो तारीख से लाइन में खड़े हैं, उनको राशन नहीं मिल रहा। यहाँ तक कि एरिया के पार्षद अपना स्लिप बनाकर दे रहा है, स्लिप के माध्यम से पीछे से राशन दिया जा रहा है। लुधियाना के फोकल पॉइंट थाने के बाहर मौजूद है, जिते कि जोड़े प्रवासी मजदूरों जोड़ा राशन इतने थाने के बाहर दिता जा रहा है। पर असी थानू इतने एक सब तो वीडी जी मुश्किल है वो प्रवासी मजदूरों ये आ रही है कि इन्हों जो मोबाइलों से इन्हों मैसेज आ रहे हैं, तो घटो घटो दो तीन तीन दिन के आए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जोड़ा उन्होंने राशन नहीं दिता जा रहा। तो उन्होंने दोष है कि सानू राशन नहीं मिल रहा, अभी दो तीन तीन दिन तो लगातार इतने लाइनों के खड़ रहे। पर असी सब तो जी वी जी असं तुम्हें यह दिखा लगे हाँ कि इतने जी लाइना लगिया हुई ने उस जे इत फोकल पॉइंट जोड़ा थाना वा उसके बाद जी सोशल डिस्टेंस की जी बिल्कुल भी पालना ना की जा रही ना इन्होंने को करवाई जा रही। तो थोड़ा असं तस्वीर दिखा रहे कि जोड़े प्रवासी मजदूर ने इन्होंने वालों जी समाजिक दूरी है वो बिल्कुल भी उसकी पालना नहीं की जा रही। तो बिल्कुल कोरोना महामारी के कारण जोड़े इन्हों सरकार वालों प्रशासन वालों दूर थोड़े फर्क से रहने लिए कहा जा रहा है, पर इसके बावजूद भी थाना फोकल पॉइंट दी तो अपने चैनल के माध्यम राही लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं कि जोड़े इतने के पुलिस मुलाजम ने उन्होंने वालों बिल्कुल भी इन्हों थोड़ा दूरी पर खड़ाने की कोशिश नहीं की जा रही। तस्वीर थोड़ा असी थाना फोकल पॉइंट के अंदर दिखा रहे हैं, इस टाइम लाइव तस्वीर थोड़ा साढ़े चैनल के माध्यम राही दिखाई जा रही है कि जोड़ा फोकल पॉइंट थाना उस जी इन्हों प्रवासी मजदूरों के वालों जी सोशल डिस्टेंस की है जी पालना नहीं की जा रही। तस्वीर थानू इस टाइम असी लगातार दिखा रहे हैं लुधियाना के फोकल पॉइंट थाने के बाहर। इस संबंध में टाइम गल करने लिए कामरेड मनोज जी ने तो इन्होंने गल करते हैं। मनोज जी मतलब जी और थाना फोकल पॉइंट के बाद जी लाइना लगिया ने, सब तो पहला तो थोड़े नाल यह सवाल है कि जी प्रवासी मजदूर ने इन्हों मतलब बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं की जा रही। मैं कामरेड विनोद कुमार तिवारी, सेंटर ऑफ ट्रेड यूनियन सीआईटी की तरफ से, मैं सबसे पहले इस बात पर कहना चाहता हूँ कि जो मजदूरों को समस्या आ रही है वो समस्या आ क्यों रही है, जो डीसी साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, उनको जो उन्होंने पालन करने के निर्देश दिए हैं, क्या निर्देश सिर्फ मजदूर ही पालन करेंगे? जो अफसर के फर्ज नहीं बनती है, आपके सामने मैं इसलिए एक दिखा रहा हूँ लिस्ट बनी है। इस लिस्ट में ऐसे ऐसे मजदूरों को हमारे पास लिस्ट है कि जिसको 2 तारीख को मैसेज के द्वारा राशन देने की अनुमति मिल चुकी है, 3 तारीख को मिल चुकी है, 4 तारीख को मिल चुकी है, लगातार उनको अनुमति मिल चुकी है कि आप आके थाने के बाहर आके राशन ले जाएं। लेकिन जो मजदूर 2 तारीख को जिसको मैसेज के माध्यम से बुला दिया गया है वो 2 तारीख से लाइन में खड़े हैं, उनको राशन नहीं मिल रहा। हमारा कहने मतलब ये है, नहीं दिक्कत कहाँ पे आ रही है अभी सरकार के द्वारा जो राशन है वो राशन नहीं पूरा आ रहा है या इनकी तरफ से बांटा नहीं जा रहा, दिक्कत कहाँ पे आ रही है? दिक्कत यहाँ पा रही है कि एरिया के जो अफसर हैं, जो थाने के सचो है, ये यहाँ पे भेदभाव कर रहे हैं। यहाँ पे एरिया के सचो मुंह देख के राशन दिया जा रहा है, यहाँ तक कि एरिया के पार्षद अपना स्लिप बनाकर दे रहा है, स्लिप के माध्यम से पीछे से राशन दिया जा रहा है, मजदूरों को लाइन पे खड़ा किया जा रहा है। मैं डीसी साहब से, कमिश्नर साहब से समझता हूँ, कहना चाहता हूँ कैसे दलाल एस एच ओ को बर्खास्त करें, यहाँ ईमानदार एस एच ओ लगाए, दबाव में आके एस एच ओ साहब काम ना करें, यहाँ पे एस एच ओ साहब दबाव में आके काम ना करें आप। यहाँ मजदूरों की जिंदगी और मौत की सवाल है, मजदूर मौत के कगार पे खड़े हैं, लाइन लगा खड़े हैं, और आप काउंसलर के दबाव में आकर राशन दे रहे हैं, स्लिप आती है काउंसलर का स्लिप आती है, आप स्लिप के माध्यम से पीछे से राशन दे रहे हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा ने विरोध कामरेड जिन्हों के वालों क्या गया जा रही कि इतने भेदभाव करके राशन दिता जा रहा है, पर इस संबंध के कुछ प्रवासी मजदूर भी ने, उन्होंने नाल भी इस संबंध के गल करते हैं। क्या नाम है जी? सर मेरा नाम प्रभुनाथ जी है जी। ते आपका जो मैसेज है कब का आया हुआ है? मैसेज मेरा सर 6 तारीख को ही है,
और परसों आया था मैं 7 तारीख को, और सर बोला गया कि 8 तारीख को आ जाओ मॉर्निंग में, आपको 10:30 बजे आ जाओ, आपको राशन मिल जाएगा जी। और सुबह से 9 बजे से लाइन में खड़े हैं, अभी तक हमको राशन नहीं मिला जी। क्या नाम है? अनिल कुमार जी। क्या दिक्कत आ रही है? राशन नहीं मिल रहा, 5 तारीख का ही मैसेज आ चुका है, आते हैं तो बोलते हैं कि कल आना परसों आना, यही कर ड्रामा है इन लोग का। तो आप थोड़ा सा मतलब थोड़ा फर्क दूरी बना के भी थोड़ा खड़े नहीं हो, देखो आपको अपनी सेहत का राशन तो चलो आपको मिल ही जाएगा है ना, आज नहीं मिलेगा कल, लेकिन जे ऐसी कोई बीमारी वगैरह लगी तो फिर आगे से पीछे से फिर डंडा मारते हैं, आगे से भी उधर वही होता, ठेला ठम हो रहा चलते हो रही है। पुलिस मिलेगा मैसेज वाले को? नहीं मिलेगा नहीं मैसेज वाले को, जहाँ थोड़ा फर्क बनाने के लिए बोल रहे थे। मिलेगा नहीं मैसेज वाले को तो लगातार राशन मिल रहा, थोड़ा देरी से मिल रहा, मिल तो रहा है यहाँ तो बोले नहीं मिलेगा, नहीं प्रवासी मजदूर जिन्हों का अपना अपना कहना, तो इन्होंने वालों लगातार जो प्रशासन से दोष लगाए जा रहे हैं कि प्रशासन के वालों सिर्फ अपने चेतन पहला जो काउंसलर सरपंच उन्होंने दोष लगाए सन जाते सन कि उन्होंने वालों जे राशन अपने चेतन दिता जाता है, पर जी जिम्मेवारी से बाद जी लुधियाना पुलिस के मोटिया से रख दी गई थी, तो हूँ उन्होंने वालों राशन दिता जाता, पर प्रवासी मजदूर का फिर दोष है कि जेडे काउंसलर ने उन्होंने वालों जी मतलब अपन पर्चिया उरे भेजिया जाए हैं, तो पुलिस के वालों अपने चेहत्या राशन दिता जाता, तो सानू नहीं दिता जाता। कैमरामैन मुकुल शर्मा के रवि गर्ग की रिपोर्ट, पैरे का टीवी लुधियाना।